वालों के इसमें से ये रखें, इस तरह से पेस्ट्री तो होती है बस थोड़ा सा इस तरह पेस्ट्री में ये होता है कि जल्दी जल्दी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या बनाना है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई हैं ऑनलाइन, लेकिन अभी तक डिलीवरी आई नहीं है, वो आएगी थोड़ा टाइम ठहर के। तो अब मेरे पास जो अवेलेबल है मुझे लगता है मैंने वो ही बनाना है। तो मैं जल्दी जल्दी से देखती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं और मैं क्या क्या कुछ बना सकती हूँ फ्रीज़। तो जी सबसे पहले ये देखिए मैंने क्या लिया है, ईजिली अवेलेबल है, हर घर में होता है। ये देखिए मैंने ली हैं टमाटोज और ओनियन लिया है, चने हैं बॉयल किए हुए, और ये देखिए पोटैटो हैं ब्रेक ब्रेक काटे हुए। सबको एक प्लेट में डाल देना है। यहाँ पर मेरे पास क्यूकम्बर नहीं था, अगर वो भी हो तो बहुत अच्छा रहता है, और रेड ओनियन हो तो, रेड ओनियन भी नहीं था मेरे पास। तो ये क्विक क्विक जो है वो स्नैक, जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं मैं इसीलिए दिखा रही हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर इंग्रेडिएंट हो और आप जो है चीज़ें बनाएं। मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी तो ये जो जो घर में चीज़ें थी वो मैनेज बस मैंने की हैं। और इसमें फिर डाल दिया सॉल्ट, और ये देखें ब्लैक पेपर बस इसमें डाली है और कुछ भी नहीं डाला, और इसको अच्छे से कर लिया मिक्स। नेक्स्ट लिए हैं 2 स्पून योगर्ट के, बहुत इसमें योगर्ट अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये जो है चाट चना चाट है तो इसको थोड़ा सा ड्राई ही रखते हैं। तो इसमें ये देखिए मैंने 2 स्पून जो है वो इसके लिए हैं योगर्ट के, और 1 स्पून अंदर शुगर का डाल के तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। और ये देखिए सिर्फ इसके ऊपर इतना सा डाला है कि ये थोड़ा सा इसका बस थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, जो खट्टा मीठा सा एक टेस्ट होता है उसको बनाने के लिए। तो बाद में आपके सॉसेज जो हैं, अब आपके पास जो भी अवेलेबल हैं घर में आप वो कर लें। आपके पास घर में मीठी इमली की चटनी है वो डाल दें, आपके पास एप्रिकॉट वाली चटनी है, कोई सी भी आपके पास घर में बनी हुई है आप उसमें डाल सकते हैं। मेरे पास जो थी ये रेडीमेड वाली थी, मैंने ये डाल दी है उसके अंदर, साथ मैंने ये सॉस डाल दिया है। ये है जी चिली सॉस, और मैगी का जो चिली सॉस होता है नॉर्मली हर जगह से अवेलेबल होता है, थोड़ा सा सराचा सॉस उसके लिए कि थोड़ा सा तीखा जो स्पाइसी फ्लेवर होता है वो आ जाता है इसके अंदर। तो इसमें ग्रीन चटनी भी जाती है लेकिन मेरे पास नहीं थी अवेलेबल। तो ये जेन्युइन रेसिपीज़ हैं इसीलिए कि हर घर में ये होता है हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है तो हम वहाँ से मंगा लेते हैं, मार्केट से मंगा लेते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत जो है वो बिल्कुल थोड़े से इन्ग्रीडियंट से ये बन गई है, और बड़ी मज़े की बनी थी। ये नहीं लग रहा था, फील नहीं हो रहा था कि इसमें जो है मेरे पास काफ़ी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो बस इसको ऊपर से डेकोरेशन के लिए बस थोड़ा सा आपने इसमें चाट मसाला डाल देना है, और ये आपकी देखिए एक डिश रेडी है। तो चनों की बात हो रही थी, अगर आप चने बॉयल करके फ्रीज़ कर लें थोड़े से तो बहुत जो है वो फ़ायदा दे सकते हैं। मेरे हम तो यहाँ पर जो है वो टीन मिल जाते हैं चनों के, मैं तो वो हमेशा रखती हूँ एमरजेंसी के लिए। अब नेक्स्ट देखें, ये है जी दही फुल्की, और इसकी रेसिपी है मेरे पेज पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो अपनी वीडियो लगा दूंगी। तो ये भी जो है वो काफ़ी सारे आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं इसको, आपके पास दही फुल्की हो, दही भल्ले हो, कोई सी भी चीज़ हो उसको आप बना के हमेशा फ्रीज़ करके रखें, और थोड़ा सा भी उसमें चल जाता है, कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा सारे आपके पास अमाउंट में हो तो आप कहेंगे ये चल जाते हैं। तो बहुत थोड़े से देखे लिए हैं, और साथ में बस हल्का सा फ्लेवर डालने के लिए मैंने थोड़े से ये देखे चिक पीस और थोड़ा सा ओनियन, अगेन रेड ओनियन बहुत मज़े का लगता है इसके ऊपर, लेकिन ये वाइट ओनियन फिर मैंने वॉश करना पड़ता है आपको अच्छे से क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये अच्छे से वॉश किया मैंने और इसको उसके ऊपर डाल दिया। अब ये देखिए ये क्योंकि दही फुल्की है तो इसमें दही खुली जाएगी, तो ये एक पूरा मैंने जो है वो कप लिया भर के ऊपर तक, उसमें जो है वो शुगर गई है 2 चम्मच भर के, और सॉल्ट इसके अंदर जाएगा और ब्लैक पेपर, ये देखिए काली मिर्च, और आपने इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। उसके बाद फिर जी आपने सारा ये देखिए इसके ऊपर कवर कर देना, अगर आपको लगे कि योगर्ट थोड़ा है जी तो योगर्ट अगर कम लगे तो आप और भी ज़्यादा इसमें उसी तरह से नमक मिर्चें और शुगर डाल के डाल सकते हैं। तो अगेन चटनियों का फर्स आपने बिल्कुल नहीं करना, ये देखिए मैंने वही चटनी जो मैंने उसमें यूज़ की थी मेरे पास यही एक बनी हुई थी इस वक्त, तो यही बनी मतलब मेरी अपनी नहीं बनी थी रेडीमेड, तो वो देखिए वो डाल दी, और मिर्चों के टेस्ट के लिए सराचा सॉस, और इसको डेकोरेशन के लिए देखिए चिली फ्लेक डाल दिए हैं। तो ये जो बनाते रहते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है देखिए काली मिर्च इसके ऊपर डाल दें, चाहे तो चाट मसाला डाल दें, तो जो बनाते रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि थोड़ा सा टेस्ट का, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो, कई दफ़ा नहीं भी होती। तो नॉर्मली जो मैं घर में समोसे बनाती हूँ लेकिन ये शेज़वान के समोसे हैं, और अगर मेरे पास ना हो तो ये मैं फ्रीज़र में ज़रूर एक पैकेट ये वाला रखती हूँ इनकेस कि अगर कोई आपके मतलब कि कोई आ जाए ऐसा घर में गेस्ट वगैरह आ जाए तो आपके पास जो है वो फिर आप पैनिक ना करें और जल्दी से आप निकालें और इसको फ्राई करें,
बहुत मज़े के बनते हैं। और शेज़ान के जो समोसे हैं वो होममेड समोसे जो हैं वो तो टॉप पे हैं ही हैं, उनके तो कोई वो है ही नहीं है। ऑयल ठंडा था इधर, वैसे बाय द वे ऑयल गर्म करके बनाएं तो ऑयल जो है वो कम जाता है समोसों में और बड़े मज़े के समोसे बनते हैं। तो इस तरह से जी जो यहाँ पे यूके में रहते हैं उन्हें पता होगा कि शेज़ान के समोसे जो है वो काफ़ी बेटर है। अगर उन्होंने नहीं ट्राई किया आप में से किसी ने तो ये मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इसकी फीलिंग जो है इसमें कोई ऐसी रबिश नहीं होती जैसे नॉर्मल रेडीमेड समोसा इसकी फीलिंग होती है। और ये देखिए बहुत क्रिस्पी इसकी, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पता नहीं चलेगा, तो बड़ी क्रिस्पी इसकी जो है वो पेस्ट्री है। ऑयल का ये कि आप 2-3 पेपर टॉवल्स में जो किचन रोल होते हैं उसमें आप इसको अच्छे से दबा के निकाल लें। तो जी ये देखें एग लिए यहाँ पर, नेक्स्ट केक बन रहा था, ये देखें एग्स और ये जो प्लेट है इसका मिक्स जो वेट आया है वो 292 ग्राम्स आया है। तो जितने एग का वेट होगा, नॉर्मली 4 एग्स का वेट जो होता है वो 250 ही होता है, तो उतना एक कप जैसे आप लेने तो एक कप, ये देखें फिर बटर उसमें चला जाता है एक उस उतना जितना ही आपके एग्स का वेट है उतना ही आपने बाकी चीज़ों का लेना है, तो केक जो है वो रेडी हो जाता है। बहुत आसान रेसिपी है, बड़ा मज़े का केक जल्दी जल्दी से बन जाता है। ये देखें तो जितने एग्स का वेट था उतनी ही शुगर उतना ही बटर लिया, उन सबको जो है वो बस आपने एक उसमें डाल दें। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर है तो 5 मिनट तक आपने मिक्स करना है, और अगर आपने बारी बारी करना है, यहाँ मैं बस आपको दिखाने के लिए मैं बारी बारी कर रही हूँ, नॉर्मली मैंने कभी भी जो है वो अलग अलग से इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं किए। तो यहाँ पर अब शुगर और इसको बटर के मिक्सचर को जो है वो मैंने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स स्टैंड में, और जब ये अच्छे से हो जाएगा मिक्स तो फिर इसके अंदर एग्स डाल देने हैं और एग्स डाल के उसको मिक्स कर लेना है, और फिर बाद में उतना ही वेट जितने आपके एग्स का वेट होता है वो एक कप तकरीबन बनता है। एक कप जो 260 ग्राम होता है, तो जो मीडियम एग्स होते हैं वो बिटवीन 250 एंड 260 ग्राम होते हैं, तो बस उतना ही आपने हर चीज़ को डालना है। तो यहाँ पर ये देखें ये मेरे पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर, अगर आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर ना हो तो आप प्लेन फ्लावर भी ले सकती हैं, और उसमें फिर एक चम्मच आपको बेकिंग पाउडर डालना पड़ेगा। तो वो इस तरह से सीव करके डाल दिया है, और ये मैं काफ़ी आपको इसीलिए दिखा रही हूँ ये मेजरिंग वाला जो होता है, क्योंकि इससे भी काफ़ी चीज़ों को जिनको नहीं पता चल रहा होता है तो बस ये सीधा सीधा 4 एग्स और बाकी चीज़ें एक 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 कप आप डाल दें। तो ये देखिए इस तरह से सीव करते जाएं और आप जो है ये डालते जाएं, और साथ में 100 ग्राम जो था वो कोको पाउडर इसके अंदर गया था। चाहें तो आप 150 ग्राम भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है वो अलग से क्रीम की और दूसरी मिल्क चॉकलेट की करनी है जो आइसिंग है, तो इसीलिए फिर मैं जो है वो कोको पाउडर 100 ग्राम ही डालती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक ही बहुत बड़े सारे टिन में बना लेना और इसको मिडल में से हाफ काट लूँगी, लेकिन अगर आपने कहीं लेके जाना हो जैसे स्पंज 2 टिन में बनता है फिर नॉर्मली आपने बनाना है, तो मैं तो जल्दी से में खाने के लिए बनाना हो तो इसी तरह बना लेती हूँ। तो ओवन में ये 15 से 20 मिनट लगते हैं बस, और ये बेक हो गया, और ये ऊपर से फोर्क के साथ मैंने चेक किया था, और ये देखिए दूसरी साइड है। तो स्पंज बहुत ही मोइस्ट सॉफ्ट होना चाहिए, जो स्पंज इसका नाम है, यानी कि आप जिसको हाथ लगाएं तो ये वापस अपनी प्रेस करें तो आप वापस अपनी जगह पर आना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने एक पूरा जो कप था क्रीम का लिया, आई थिंक ये 125 जो है वो ml होता है उसके अंदर, और पूरा जो एक छोटा सा एक यहाँ पर मिलता है जार फुल क्रीम का, उसके अंदर भी ये देखिए इस तरह से बारी बारी आपने आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है मिल्क चॉकलेट, और उसको मिक्स करते जाना है, साथ साथ डालते जाएं और मिक्स करते जाएं और पकाते जाएं। जब काफ़ी सारा ये जो है वो थिक हो जाएगा इसका सोल्यूशन इस तरह से स्पून के साथ, जब आप नीचे इसको गिराने की जो करेंगे तो वो एक बड़ी अच्छे से थिक कंसिस्टेंसी जो है वो इसके अंदर आएगी, तो आपने इसको अच्छे से अंदर फिल कर लेना है सैंडविच की तरह और ऊपर भी लगा देना है। तो यहाँ पर ये देखें एक बहुत बड़ा सारा, क्योंकि मेरा टिन था मैंने उसमें ये केक बना लिया, उसको हाफ मिडल में से काट लिया, और अब एक इस तरह मिडल में से मैंने इसको जो है वो ये जो आइसिंग बनाई है इसकी, ये इसी तरह से आपने गर्म गर्म इसके मिडल में डाल देनी है, और उसके बाद फिर अच्छे से इसको जो है स्पून की मदद लेनी है, स्पैचुला कुछ भी लेने आप, तो मैं तो जो हूँ क्योंकि बनाती रहती हूँ तो मुझे तो फिर ये होता है मैंने कभी एक्स्ट्रा जो है वो कटलरी यूज़ ही नहीं की, क्योंकि भी टैडी भी आपने खुद ही करना है बाद में, तो जब बनाते रहें तो फिर आपको वो नहीं होता कि एक एक चीज़ जो है देर टाइम नहीं लगता आपको, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और फौरन से चीज़ बन जाती है और इतना टाइम नहीं लगता है। इस केक को ट्रस्ट में 5 मिनट लगते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के मिक्स करने में। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने वे किए थे एग्स, नहीं तो नॉर्मली 4 एग्स और बाकी चीज़ें एक एक कप आप डाल दें। तो और इस तरह से देखिए दूसरी साइड फिर इसकी जो केक थी हाफ वो उसके ऊपर रखा, और ऊपर से ये देखिए इस तरह से इसके बड़े बड़े से आपने स्लाइसिस जो है वो काट लेने हैं,
और थोड़ी देर बेशक इसको पड़ा भी रहने दें, 15-20 मिनट तरह की इसकी जो ऊपर आइसिंग लगी है वो सेट हो जाए तो फिर आप काट लें। लेकिन बहुत मज़े के ये बनते हैं और इसके ऊपर चाहे जितनी मर्जी आप डेकोरेशन कर लें। जैसे गर्म गर्म आपने इसके ऊपर वो आइसिंग डालनी है, उसके साथ ही इसके ऊपर आप एक्स्ट्रा चॉकलेट भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट, फिर सबने बहुत मज़े से खाया और मैं कहती हूँ इतनी जल्दी में जो थे वो हमारे गेस्ट आए और चले भी गए, और चाय जो है वो जब हमने रखी तो क्लिप भी बनाने का याद नहीं रहा। तो सबने बहुत पसंद की, तो होपफुली आपको भी अच्छी लगी वीडियो। और बातों में हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहा वीडियो बनाने का, लेकिन मज़ा बहुत आया। और नेक्स्ट नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो तक जो है वो अल्लाह हाफिज़।